देखेंगे कि रातों रात मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाता है, रातों रात सरकार बदल जाती है, लेकिन सरकार के पास और राजभवन के पास दो साल में एक समय नहीं है कि एक विश्वविद्यालय में वीसी परमानेंट वीसी का नियुक्ति कर सके। और इसमें भी विफल है, पूरे पाँच साल में सरकार चाहे जेसीसी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो उत्पाद विभाग की दौड़ का एग्जाम हो, सरकार हर एग्जाम पे विफल है। आज हम हजारीबाग समाहरणालय परिसर के समक्ष खड़े हैं और यहाँ पर एबीपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। नमस्कार, मैं मानसी पाठक और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट। आइए इन कार्यकर्ताओं से ही जानते हैं कि वो आज एक दिवसीय धरना पर क्यों बैठे हैं। ये एक दिवसीय धरना पर बैठने का क्या कारण ऐसा बन पड़ा? जो राज्य सरकार झारखंड सरकार चुनाव के समय जो पाँच साल में जो वादे करके आई थी कि 5 लाख का रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, और महिलाओं को सुरक्षा को लेकर विभिन्न प्रकार के हम लोग वादे करके आई थी, चाहे वो डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, वो अभी 5 साल में आप देखेंगे कि धरातल में कोई भी योजना सफल नहीं हुआ। उसी को लेकर हम लोग एबीपी के द्वारा, हजारीबाग की टीम के द्वारा समाहरणालय के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और इसके आगे भी हम लोग आगे आंदोलन की प्रक्रिया करेंगे। लेकिन कुछ योजनाएं तो थी, जैसे मैया सम्मान योजना है, उसके तहत मैया सम्मान योजना आप देखेंगे कि ये 4.5 सालों में आया, चुनाव नज़दीक आ गया, वो अगर सरकार को मैया सम्मान योजना ही देना था तो वो 4.5 साल तक कहाँ थी। जब चुनाव के समय नज़दीक आया तो महिलाओं को बहलाने का फुसलाने का काम करने का जो पिछले बार ये सरकार वादे की थी, बहलाने बहला फुसला कर युवाओं को आई थी, वो दोबारा करने का प्रयास कर रही है। आप देखेंगे कि झारखंड में महिलाओं के साथ दिन ब दिन प्रतिदिन किसी न किसी घटना घटते रहते हैं, चाहे वो लोहरदगा की घटना हो, चाहे वो दुमका की घटना हो, चाहे वो जमशेदपुर की घटना हो। अभी हाल फिलहाल में हजारीबाग में देखेंगे कि दहेज उत्पीड़न के नाम पर एक महिला को हत्या कर दिया गया। तो ये महिला सम्मान योजना के साथ साथ हम सरकार को इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि महिला सुरक्षा योजना पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही है वो दयनीय है और बहुत ही दुखद है। और ऐसी कौन कौन सी मुद्दे हैं जिसके वजह से आज ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा? कि पूरे झारखंड में जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी है, 5 है, उसमें आप देखेंगे कि एक में दो ही विश्वविद्यालय में परमानेंट वीसी है। उसके अलावा आप देखिएगा चाहे वो बिना भावे हो, चाहे वो नीलांबर पीताम्बर हो, चाहे वो कोल्हान यूनिवर्सिटी हो, उसमें परमानेंट वीसी नहीं है, प्रो वीसी नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, कंट्रोलर नहीं है। तो उससे क्या होता है कि उस शिक्षा में बहुत सारी कमियां आ जाती है, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पर हो, जो रेगुलर क्लासेस हो। आप देखेंगे कि अभी सिर्फ यूनिवर्सिटी में एग्जाम पे एग्जाम लिया जा रहा है और डिग्री बांटने का काम, एक वो विश्वविद्यालय शिक्षा देने का काम नहीं कर रही, वो सिर्फ डिग्री बांटने का काम कर रही है। तो इससे क्या होता है कि वो शिक्षा बहुत ही प्रभावित हुई है इस सरकार में। आप देखेंगे कि रातों रात मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाता है, रातों रात सरकार बदल जाती है, लेकिन सरकार के पास और राजभवन के पास दो साल में एक समय नहीं है कि एक विश्वविद्यालय में वीसी परमानेंट वीसी का नियुक्ति कर सके। ये सरकार जेल से निकली और परिवारवाद की सरकार को उसको भी हटा के ये तुरंत सत्ता में फिर से आ गई महज 2 महीने के लिए। ये सरकार परिवारवाद की सरकार है और ये सोनिया की सरकार है, महागठबंधन की सरकार, झूठ की सरकार है। सरकार पूरी तरह से विफल है। इसके बारे में अगर हम लोग 5 साल से भी बात करें तो भी कम है। अभी एक और योजना आई थी जिसके दौरान बिजली बिल भी माफ कर दिया गया था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ठगने का काम, ठगने का काम और लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं सरकार। हेमंत सोरेन अपने करामत को छुपाने के लिए इंटरनेट बंद कर देते हैं। 6 महीना पहले से उनको कोई योजना समझ में नहीं आया, इलेक्शन नज़दीक आ गया तो योजना समझ में आ रहा है। अपने राज को ठगने और लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। उनके एक काला दस्तावेज है जो हम अपने हजारीबाग डीसी मैम को देंगे, इनमें उनका सारा 2019 से करामत लिखा हुआ है, ठीक है। वो रोज़गार दे रहे हैं, अपने घर में दे रहे। कल्पना सोरेन कहाँ थी? अभी उनको रोज़गार मिला हो तो सब जगह दिख रही है। तो जैसा कि आपने एबीपी के कार्यकर्ताओं को सुना, उनका ये विरोध प्रदर्शन झारखंड सरकार को लेकर है। झारखंड में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और महिला सुरक्षा को लेकर है। आपकी क्या राय है झारखंड सरकार को लेकर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन के साथ मैं मानसी पाठक, हजारीबाग अपडेट से। धन्यवाद।